सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। मैं लेकर आया हूं स्पीड टेस्ट 1 फुल सॉल्यूशन। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ दी फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर। भारत की पहली महिला कौन सी है जिसने एशियन गेम्स में 400 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? वो है कमलजीत सिंधु। आंसर इज सी, 57.3 सेकेंड में इन्होंने 400 मीटर रेस को कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 2, विच डिजीज इज़ कॉज्ड बाई विटामिन ए डिफिशेंसी। वो कौन सी बीमारी है जो विटामिन ए की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो वो रोग हो जाता है? वो है कोरोनल जियोसिस, बाइटोट स्पॉट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। आंसर इज डी, ये तीनों बीमारियाँ जो है विटामिन ए की कमी से होती हैं। विटामिन ए जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है गाजर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेबलाइज डेट ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं साई, साई की स्थापना कब हुई, फाउंडेशन डेट कब है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर इज बी, 1984। साई का हेडक्वार्टर कहाँ है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज। जो लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग याद कर लें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 1916 में। किसने करी? पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 5, 2028 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड, 2028 के ओलंपिक जो हैं वो किस कंट्री में होंगे? आंसर इज डी, लॉस एंजलिस, ये कहाँ पर है, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ओलंपिक गेम्स जो हैं इसकी शुरुआत कब हुई? हम बात करते हैं एंशियंट ओलंपिक की तो 776 BC में, अगर हम मॉडर्न की अगर हम बात करते हैं 1896 में। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री इज नोन एज द टीयर ऑफ ड्रॉप, मतलब यह क्वेश्चन पूछ रहा है आंसू की तरह दिखने वाला कौन सा देश है, वो है श्रीलंका। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल गेम, बास्केटबॉल गेम का मेजरमेंट कितना होता है? आंसर इज डी, 28x15। बास्केटबॉल जो गेम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? वो है स्टेपीज। वो कहाँ पर देखने को मिलती है? ईयर में। क्वेश्चन नंबर 9, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज सिचुएटेड एट, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कहाँ पर सिचुएटेड रहती है? वो है हेड में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आंसर इज ए, लॉ ऑफ इनर्सिया। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द करंट स्पोर्ट मिनिस्टर, अभी वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? आंसर इज ए, किरण रिजिजू। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला खेल मंत्री कौन है तो वो है राजवर्धन सिंह राठौर, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक मोटो टर्म CTS मींस, ओलंपिक में एक वर्ड होता है CTS, LTS, FOTS, ये ओलंपिक का मोटो है CTS, LTS, FOTS। CTS का मींस क्या होता है? वो है फास्टर। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, लंग्स कैपेसिटी यूजली मेजर्ड बाय, आंसर इज सी, स्पायरोमीटर। लंग्स जो होते हैं उसकी हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं कि आप कितना ब्रीथिंग ले रहे हैं, कितना आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं। और लंग्स में जो है 5 लोब्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14, फुटबॉल ऑल्सो नोन एज, फुटबॉल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज ए, सॉकर।
फुटबॉल जो गेम है वो किस कंट्री की देन है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है, वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड कंट्री की देन है फुटबॉल। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये भी आपको याद रखना है, 11 प्लेयर होते हैं। वैसे क्वेश्चन सब लोगों को याद है। क्वेश्चन नंबर 15, हाई टॉप K2 पिक। K2 को हम बोलते हैं गॉडविन आस्टविन, गॉडविन आस्टविन। ये भारत की सबसे बड़ी चोटी है, उसकी हाइट कितनी है? आंसर इज डी, 8611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ दी स्मॉलेस्ट प्लानट कॉल्ड? जो सौरमंडल का सबसे छोटा प्लानट है जिसको हम बोलते हैं ग्रह, उसका नाम क्या है? आंसर इज ए, मरकरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 17, फुल फॉर्म ऑफ IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। आंसर इज ए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। क्वेश्चन नंबर 18, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो को हम बोलते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। कितने प्रकार के होते हैं? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है। आंसर इज ए, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल। वाटरफॉल को मीन्स होता है जल प्रपात, जल प्रपात, जो कि रॉक से, पहाड़ों से, चोटियों से जो पानी नीचे गिरता है उसको हम बोलते हैं वाटरफॉल। और ये दुनिया का सबसे बड़ा है, उसका नाम है एंजल फॉल। ये कहाँ पर है? वेंजुला, वेंजुला। क्वेश्चन नंबर 20, 24th पैरेलल लाइन इज, यह एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो किस कंट्री के बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रेड क्लिफ किस कंट्री के बीच में? भारत और पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 21, ओल्ड नेम ऑफ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस एक गेम है, रैकेट गेम जिसको बोलते हैं, इसका पुराना नाम क्या है? वो है पिंग पोंग। और पिंग पोंग जो है वो चाइनीज लैंग्वेज में, ये भी आपको याद रखना है, चाइनीज लैंग्वेज में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चाइना लैंग्वेज में, चीनी लैंग्वेज में टेबल टेनिस को किस नाम से जानते हैं? वो है पिंग पोंग। आंसर इज पिंग पोंग। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूची हैं? आंसर इज 4, 12 अनुसूची हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल कितने हैं, 395 पार्ट कितने हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाग, वो हैं 22 भाग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में चर्चा होती है? आंसर इज ए, 19 से 21। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? आंसर इज सी, गोविंद बल्लभ पंत। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है भारत में किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाला कौन था महिला में, तो वो थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 26, विथ विच गेम बुली इज एसोसिएटेड? बुली एक टर्मिनोलॉजी है, वो किस गेम से संबंध रखती है? तो हॉकी से रखती है। आंसर इज बी, हॉकी। अगर हम गेम की अगर बात करते हैं, ये जो गेम किस कंट्री की देन है, तो वो इंग्लैंड। ये भी आपको याद रखना है। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक हैं, आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, थीम योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम। यह जो थीम है वो किस योग की है, कौन सी सन की है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है 2020। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज दी मॉस्कट ऑफ खेलो इंडिया? खेलो इंडिया 2020 में हुए थे, उसका मॉस्कट क्या था? वो था विजय। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, हेप्टाथलन कंसिस्ट ऑफ, हेप्टाथलन एक एथलेटिक्स का एक इवेंट है, उसमें कितने इवेंट होते हैं? 7। आंसर इज बी, डेकाथलन की अगर बात करता है, डेकाथलन की
तो 10 लगाना है। पेंटाथलन की अगर बात करता है तो 5 लगाना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मैनी मेजर सेलेबरी ग्लैंड्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में जो श्वेत ग्रंथि होती है, इसको हम बोलते हैं स्वाद ग्रंथि, वो कितने प्रकार की होती हैं? आंसर इज ए 6, 3 के पेयर में होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।